हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प कनेक्शन के बारे में बताएंगे। इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ होती है ये देख सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक ये ब्लास्ट है, ये कैपेसिटर है और ये एक हमारे पास इग्निटर है, ये लैम्प होल्डर और एक ये हमारे पास लैम्प है और ये हमारे पास एक जो इसकी कनेक्शन है जो बने हुए वायरिंग डायग्राम जो इसकी ये बनी हुई है, इसके थ्रू हम इसको जो कनेक्शन होंगे वो आपको करके दिखाएंगे। फ्रेंड, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये कनेक्शन डायग्राम है इसमें ये देख सकते हैं कि लाइन और न्यूट्रल दिया हुआ और ये हमारे पास एक कैपेसिटर लगाया, ये एक इग्निटर है और ये ब्लास्ट है और ये लैम्प लगाया हुआ है। तो हमारे पास ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो ब्लास्ट है वो 150 वाट की ब्लास्ट है और ये कैपेसिटर जो है वो 20 माइक्रोफेराड का है और ये हमारे पास जो इग्निटर है ये भी 400 वाट तक यूज़ कर सकते हैं और ये हमारे पास जो लैम्प है इसकी कैपेसिटी भी जो ये 150 वाट तक है। तो चलिए अभी हम आपको जो इसकी वायरिंग है वो करके दिखाते हैं। फ्रेंड, जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये टर्मिनल लगे हुए हैं, इसमें न्यूट्रल लाइन हमारी सप्लाई आई हुई है। ये लाइन सप्लाई जो है हमने वो ब्लास्ट को दे दी है, ये देख सकते हैं कि लाइन जो हमने ब्लास्ट को दी है और इसकी आउटपुट निकाल के इग्निटर को देंगे। ये देख सकते हैं कि इसकी आउटपुट जो है वो निकाल के हम इग्निटर को देंगे और बाकी जो कनेक्शन है वो भी आपको करके दिखाते हैं। फ्रेंड, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि जो ब्लास्ट की आउटपुट निकाल के हम इग्निटर में दे दिए, ये देख सकते हैं कि ब्लास्ट की जो आउटपुट निकाल के हमने इग्निटर को दे दी है। अभी जो इसका जो सेंटर वाला पॉइंट होगा वो हम लैम्प को दे देंगे और बाकी जो न्यूट्रल सप्लाई है वो दे के दिखाते हैं। और ये हमारे पास लैम्प है, इसकी फिर अभी हम आपको इसका कनेक्शन कर देंगे। फ्रेंड, जैसा कि अभी ये देख सकते हैं कि जो इसका जो इग्निटर का सेंटर पॉइंट था इससे निकाल के हमने लैम्प होल्डर को दे दिए, लैम्प का एक पॉइंट था उसको दे दिए। जैसे कभी आप ये देख सकते हैं कि इग्निटर के सेंटर पॉइंट से निकाल के मुझे लैम्प है उसको दे दिए और अभी ये न्यूट्रल जो वायर है इग्निटर को दे देंगे और साथ ही जो हमारा लैम्प है इसको दे देंगे। ये देख सकते हैं कि इसकी न्यूट्रल वायर है, हम इसे इधर कनेक्ट कर दिए और इधर से एक न्यूट्रल वायर जो होगी हम इसको इग्निटर को दे देंगे। इसके ऊपर भी आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी ये सब कुछ लिखा हुआ होता है, इसके ऊपर भी ब्लास्ट के ऊपर भी लिखा होता है कि कैसे इसे कनेक्शन करने है, इग्निटर के ऊपर भी इसका जो नेम होता है वो लिखा होता है। फ्रेंड, जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि न्यूट्रल जो वायर थी इग्निटर में भी हमने लगा दी है और ये जो लैम्प है इसके अंदर भी हमने न्यूट्रल वायर लगा दी है। सर्किट तो हमारा ऐसे भी है, हमारा जो वो है सर्किट चल सकता है, लेकिन अभी हमने इधर कैपेसिटर भी लगाया, वो कैपेसिटर भी हम आपको लगा के दिखा देंगे। कैपेसिटर के बगैर भी चल जाती है और कैपेसिटर के साथ लगाएंगे तो वो भी यूज़फुल रहेगा। फ्रेंड, जैसे कि अभी ये देख सकते हैं कि हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया, अभी हमने कैपेसिटर नहीं लगाया, तो ये कैपेसिटर के बगैर भी जो सर्किट है वो चल सकता है। अभी हम आपको जो ये सर्किट है वो ऑन करके दिखाते हैं। अभी हमारा पूरा वायरिंग जो है वो हो गई है, अभी ये देख सकते हैं कि हमने ऑन कर दिया है और ये देख सकते हैं कि हमारा जो लैम्प है वो ऑन हो गया है। तो अभी हम आपको जो कैपेसिटर है वो भी लगा देंगे। ये देख सकते हैं कि कैपेसिटर लाइन और न्यूट्रल के दरमियान में हमने लगाया हुआ है, तो अभी हम इसकी वायरिंग भी करके आपको दिखा देते हैं। फ्रेंड, जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं हमारे पास जो 20 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर था वो भी हमने लगा दिया। ये देख सकते हैं कि हमने न्यूट्रल लगा दिए और ये हमने इसका जो फेज़ की वायर है वो भी कैपेसिटर के अंदर लगा दी है। अभी हम आपको जो ये हमारा सर्किट है वो एनर्जाइज करके दिखाते हैं। ये देख सकते हैं कि जो डायग्राम थी इसके मुताबिक हमने ये सर्किट बनाया है। अभी हम आपको ये सर्किट है वो ऑन करके दिखाते हैं। ये देख सकते हैं कि अभी हमने ये सर्किट को ऑन कर दिया है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा सोडियम वेपर लैम्प है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्लो आना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड, आई होप आज की वीडियो जो आपको पसंद आई होगी। तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोई वीडियो आपको चाहिए होगी कोई इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड तो वो भी आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, वो हम आपको बना के अपलोड कर देंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।